अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुल्लू सुस्मान सीजन 4 एपिसोड 1-2-3 के ट्रेलर 2 के बारे में। हम बात करेंगे चेर खुदाई कोनूर और तुरहान एलिप के बारे में, वो उन मंगोलों के ऊपर हमला सिराय में क्यों कर रहे थे, और बात करेंगे तुर्कुत बे के बारे में, वो उस वक्त कहाँ थे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहले ट्रेलर में और दूसरे ट्रेलर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, ज़्यादातर सीन इन लोगों के सेम ही हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। दोस्तों, कल एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होने वाली है, उस्मान बे तुर्कुत बे को और बाकी सिपाहियों को करारगाह संभालने के लिए देंगे और ये खुद यानी शहर चले जाएंगे खवातीन को बचाने के लिए। जब ये पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेलर में ही कि मंगोल अपने जुल्म में अभी भी जारी थे। फिर उस्मान बे और बाकी सिपाही यानी शहर को बचा लेंगे, लेकिन करारगाह में तुर्कुत बे नैमान के हत्थे चढ़ जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि नैमान की फ़ौज बहुत ज़्यादा होगी और तुर्कुत बे जो उस्मान बे तुर्कुत बे के लिए फ़ौज छोड़ के गए होंगे उसकी तादाद कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इस वजह से तुर्कुत बे नैमान के हत्थे चढ़ जाएंगे, और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि तुर्कुत बे के सिपाहियों में उनके अजीज़ एल्ब को उनके सामने शहीद किया गया, जिसको नैमान बे धड़क शहीद कर रहा था। फिर नैमान तुर्कुत बे को यहाँ से कैदी बनाकर अपने करारगाह में ले जाएगा। इधर यानी शहर को बचाने के बाद उस्मान बे के पास एक घोड़ा आएगा जिसकी गर्दन पर खून लगा होगा। पुराने लबी सब देख कर समझ जाएगा कि ये घोड़ा तुर्कुत बे का ही है, और आपने ये बात ट्रेलर में भी देखी होगी कि घोड़े के साथ एक ख़त भी आया था जिसमें लिखा था कि तुर्कुत बे को मैंने कैदी बना लिया है। जैसे कि नैमान ये उस्मान साहब को ख़त भेज कर कह रहा था कि तुर्कुत बे को उसने कैदी बना लिया है, और वो उस्मान बे अगर बाकी सिपाहियों ने उसके सामने हथियार नहीं डाले, उसकी बैत ना की, तो वो तुर्कुत बे को मौत के घाट उतार देगा। अब ट्रेलर के उस मनाजर की बात करते हैं जिस सीन को देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई, जैसे कि चेर खुदाई और कोनूर एल्ब तुरहान जिस तरह से मंगोल सराय में दाखिल हुए और मंगोलों पर धावा बोल दिया। दोस्तों, देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुर्कुत बे को बचा लिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि नैमान के लिए तुर्कुत बे इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वो अपने साथ ही रखेगा तुर्कुत बे को। जहाँ पे वो जाएगा वहीं पर तुर्कुत बे को साथ लेके जाएगा। यहाँ पर मामला कुछ और ही होगा, इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।